देश की सुविख्यात कथक नृत्यांगना, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली और ICCR की इन पैनल्ड आर्टिस्ट, देश विदेश के कई मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी हैं, दूरदर्शन द्वारा प्रथम श्रेणी की अनुमोदित कलाकार, और इनके नृत्य में एक अलग तरह की वैचारिकता, चिंतन, सोच आपको दिखाई देगी। मऊमाला नायक, कुछ कहना है? नमस्कार। मुझे, मैंने तो फैंस करने के लिए मना किया, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस दो दिवसीय जो उत्सव है, जो कार्यक्रम है श्रद्धांजलि स्वरूप, आज मैं अंतिम कलाकार हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि निष्कर्ष के तौर पे मेरी प्रस्तुति भी हो, और प्लस मैं थैंक्स सबकी ओर से, सभी कलाकारों की ओर से यहाँ पे कन्वे करूँ। तो सर्वप्रथम सम सोसाइटी फॉर एक्शन थ्रू म्यूजिक, पंडित दरगाही मिश्र संगीत अकादमी गुरुग्राम एवं इनके संस्थापक श्री जयशंकर मिश्रा जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस दो दिवसीय जो कार्यक्रम संत संतूर वादक पंडित भजन सबोरी जी के श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किया, उसमें मुझे भी ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित कर सकूं। कल आप सभी ने सुना था, जो रिसर्च पेपर्स पढ़े गए थे, नेहा शर्मा ने तुलसीदास जी, संगमित्रा चक्रवर्ती जी ने वीराबाई, प्रीति गुप्ता ने सूरदास, जया शर्मा ने कबीरदास, इनके बारे में जो पेपर्स पढ़े थे, तो मैं डिटेल्स में संत कवियों के बारे में नहीं बोलूंगी, बट गायन और नर्तन में, जो कि उन लोगों ने पूरा डिस्क्राइब किया था, उसमें किस तरह से संगीत का प्रयोग किया, उसको मैं थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स और हिंट देना चाहूंगी, अपनी प्रस्तुति में देती रहूंगी। तो जैसे दीप्ति बंसल जी ने कहा था बुल्ले शाह के बारे में, तो 2019 में मेरा एक घंटे का प्रोडक्शन था 12 मासा, जिसमें लूनर कैलेंडर के हिसाब से 12 महीनों पे जो आधारित था, बुल्ले शाह और गुरु नानक दोनों ही संत कवि, उनकी कृतियों पर आधारित था वो। और भावना ग्रोवर जी ने कल अश्वछाप के कवियों की बात कही थी, तो दिसंबर 2008 में मैंने एक प्रोडक्शन किया था जिसमें अष्टछाप के कवियों की कृतियों पर थोड़ा प्रयास किया था, जो कि LTG में प्रेजेंट किया था। और आज मैं 7 कवियों का नाम लेना चाह रही थी, जिनके बारे में ऑलरेडी कल पूरा बताया गया, तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ। सर्वप्रथम मैं तुलसीदास जी का नाम लेना चाहूंगी। उनकी विनय पत्रिका में हम सभी जानते हैं कि गणेश वंदन है, तो प्रस्तुति का प्रारंभ गणेश जी को हम स्मरण करते हैं, दो पंक्तियां उनके लिए। कल और आज में इतने अच्छे उम्दा कलाकारों को हम देखते सुनते आए हैं कि मैं क्या गाऊंगी और क्या नाचूंगी, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी मैं प्रयास करूंगी, त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, कोशिश करती हूँ। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। तुलसीदास जी के ही विनय पत्रिका में दूसरी कृति है उनकी, जो कल पलक भाले ने बहुत सुंदर ग्राफिक के साथ उसका अभिनय किया था, श्री राम स्तुति, जो कि हमारी कक्षा में भी है और हमारे कोर्स में डाला हुआ है, तो उस पे थोड़ा सा ट्यून उसका अलग है हमारा, उसकी भी दो पंक्तियां स्टार्टिंग का। श्री राम के भव्य सुंदर स्वरूप का वर्णन है। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, श्री राम श्री राम। तीसरी उनकी कृति जिसमें लिरिक्स देखिए कितने सुंदर है, कि उनके चरणों से, राम जी के चरणों से सुरों की सरिता बह रही है, जो कि शंकर जी के जटा में समा रही है, और जटा शंकर ही गंगा जी का एक अन्य नाम है, तो वो संसार को तारने आ रही है। भज मन भज मन राम
चरण सुखदाई, जेहि चरणन से निकसि सुर सरि, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारण आई, भजमन 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 राम चरण सुखदाई। चौथी कृति उनकी, संत कवियों की कृतियों की बात होती है तो भक्ति रस तो कूट कूट कर उसमें भरा हुआ हमें मिलता है। बहुत सुंदर इसके स्वर दिए हैं पंडित भीमसेन जोशी जी ने, तो इसकी दो पंक्तियां। रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम हो गरीब निवाज, रघुबर तुमको मेरी लाज। पांचवी कृति दोसला जी की मैं नृत्य करके दिखाऊंगी। श्री राम को जगाने का प्रयास हो रहा है तो प्रकृति जग चुकी है और किस तरह से राम जी को जगाते हैं, इस कृति का वर्णन है तुलसीदास की इस कृति में। जागिए रघुनाथ। Thank you.